कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शनिवार को जिले के देश प्रसिद्ध साहित्यकारों और पहलवानों को उनके घर जाकर सम्मान किया। इस क्रम में हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा सबसे पहले गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर शनिवार को बबलगढ़ शहर के श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर भैया जी महाराज का उनके आश्रम पहुंचकर सम्मान किया। सर, आज गुरुओं का सम्मान किया गया, गुरु पूर्णिमा का पर्व है, कहां कहां कार्यक्रम आपके रहे? आज गुरु पूर्णिमा दिवस है और आज पे गुरुओं का जो सम्मान है, जो रीति भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति है, उसी के तहत जो जैसे भीम अवार्डी, अर्जुन अवार्डी हैं, साहित्यकार हैं और जो समाज को दिशा देने वाले लोग हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे मंत्री हैं, ये दूसरे लोग हैं, सभी हम सभी इस तरह के लोगों के पास गए और इससे क्या है कि उन्होंने लोगों को शिक्षा दीक्षा दी है, चाहे साहित्य के तौर पर दी, चाहे खेल के उस पर दी हो, चाहे प्रवचन से दी हो, तो मैं मानता हूँ कि इससे आने वाली पीढ़ी को इसका दिशा मिलेगी और लोगों को लाभ मिलेगा। गुरुओं के प्रति, साहित्यकारों के प्रति इस तरह से जो भीम अवार्ड जीते हैं उन्होंने अपने करा, इससे आम आदमी को सोच का लाभ मिलेगा और ये भारतीय जनता पार्टी की नीति नीति। आप गए फील्ड में, तो नए युवा पीढ़ी को यह संदेश कहेंगे हम कि गुरुओं का सम्मान करें, या ऐसा क्या संदेश देना चाह रहे थे आप? और मेरा हरियाणा सरकार में मिलती होने के लिए मैं यही बात कहूँगा कि नई पीढ़ी को अपने माता पिता का, अपने गुरुओं का और जो ऐसी धरोहर है भारत की, उनका सम्मान करना चाहिए। और इस सम्मान करेंगे, जो सम्मान करेंगे उन परिवारों को रोक नहीं सकता, जो अपनों का सम्मान नहीं करते उनका भी सम्मान कोई नहीं करता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि गुरुओं का इस तरह के सम्मान का सम्मान। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।